गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है तो अपन ने कल जो देखा था दूसरी प्रीवियस क्लास में मैथमेटिकल फंक्शंस देखा, आज अपन देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। तो स्ट्रिंग फंक्शंस में पहला फंक्शन हमारे पास लेन फंक्शन है। लेन फंक्शन क्या करता है, इसमें कोई भी अगर हम स्ट्रिंग पास करते हैं तो उस स्ट्रिंग की ये लेंथ रिटर्न करता है। जैसे हमने यहाँ पास किया लेन विजुअल बेसिक, तो विजुअल बेसिक नंबर ऑफ इंटीजर कितने कितने करेक्टर्स हैं उनकी लेंथ कितनी 11 रिटर्न करता है। तो पहला फंक्शन हमने क्या देखा है, स्ट्रिंग फंक्शन में लेंथ फंक्शन यानी कोई भी दी गई स्ट्रिंग की क्या रिटर्न करता है, लेंथ रिटर्न करता है। दूसरा हमारे पास फंक्शन है इसमें राइट फंक्शन। राइट फंक्शन क्या करता है कि राइट साइड से दी पास की गई स्ट्रिंग से राइट साइड से नंबर ऑफ करेक्टर्स आप कितने निकालने हैं उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने पास किया, मान लीजिए विजुअल बेसिक पास किया और यहाँ किया पास किया 4, तो राइट साइड से 1, 2, 3, 4 करेक्टर निकाले, कितने करेक्टर निकाले, 4 करेक्टर निकालेगा। यानी राइट साइड से अगर दी पास की गई स्ट्रिंग में राइट साइड से अगर कोई स्ट्रिंग्स आपको निकालनी है तो उसके लिए किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, हम राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन लेफ्ट फंक्शन, अभी हम एक एक का डेमो देंगे। इसी तरह हमारे पास क्या, लेफ्ट फंक्शन। अब हमारे पास लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, जो हम स्ट्रिंग पास करते हैं तो उस स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड से निकालता है, किस साइड से निकालता है, लेफ्ट साइड से। अब हम इन तीनों फंक्शंस का पहले डेमो देखेंगे और फिर आपको समझाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स कल कह रहे सर आप थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, तो सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है, आप जल्दी नहीं करेंगे, धीमे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। पर एक तरीका ये होता है जब आप वीडियो देखें तो वीडियो में आप उसकी चीज़ों को नोट करते जाएँ और फिर आप बाद में पढ़ते हैं। तो हमने देखिए विजुअल बेसिक को ओपन कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लिया, किसको लेंगे, न्यू प्रोजेक्ट। फिर एक बार दोबारा बता रहा हूँ, न्यू प्रोजेक्ट को लेने के बाद हम यहाँ किस लैंग्वेज, अब यहाँ पे किस पे काम कर रहे हैं, विंडोज एप्लीकेशन। यहाँ पर हमने दे दिया प्रोग्राम का नाम, दे दिया प्रोग्राम, प्रोग्राम स्ट्रिंग फंक्शन, प्रोग्राम का नाम कर दिया स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, क्लियर। और उसके बाद हमने यहाँ लैंग्वेज किसको सिलेक्ट कर ली, विजुअल बेसिक, ओके बटन पे क्लिक कर दिया। किस बटन पे क्लिक कर दिया हमने, ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक फंक्शंस को यहाँ पे हम बनाएंगे, क्लियर, एक एक फंक्शंस को करेंगे। पहले अपन कौन सा फंक्शन देखेंगे, लेन फंक्शन देखेंगे, फिर अपन राइट, फिर लेफ्ट फंक्शन देखेंगे। अब इसके पास फॉर्म आ गया अपने पास, अब इस फॉर्म जो भी डिजाइनिंग करेंगे कहाँ करेंगे, इस फॉर्म, तो टूल बॉक्स ओपन करने के, देखिए हमारे पास टूल बॉक्स नहीं दिख रहा, टूल बॉक्स ओपन करने का तरीका क्या, यहाँ से आप टूल बॉक्स को ले लीजिए, ये आपके पास टूल बॉक्स आ गया, ठीक है। इस टूल बॉक्स को हम सेट कर लेंगे, ठीक है। इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया इसको। तो सबसे पहले हमने एक बटन रख लिया यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या किया, दो टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे, एक रिजल्ट के लिए और एक वैल्यू इनपुट कराने, एक टेक्स्ट बॉक्स दो। इसी तरह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, वैल्यू इनपुट को प्रिंट कराने के लिए लेवल, तो लेवल हमने यहाँ पे दिया लेवल 1, लेवल 2, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ इसको बंद कर दिया, अब इसको हमने यहाँ पे दे दिया राइट क्लिक किया, लेवल की सेट करना है, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी विंडो आएगी, यहाँ हमने दे दिया एंटर द एनी स्ट्रिंग, क्या कर दिया, एंटर द एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग आप यहाँ से इनपुट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे दे दिया हमने आउटपुट, क्या नाम दे दिया, आउटपुट, आउट क्या दे दिया, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। इसका नाम दे दिया हम, सेट कर देते हैं इसको, इसका दे दिया हमने टीएक्स इनपुट स्ट्रिंग, क्या दिया, टीएक्सटी इन, टीएक्सटी एसटीआर कर दिया इसको, और इसको कर दिया टीएक्सटी, टीएक्सटी आउट, टीएक्सटी आउटपुट, ठीक है। बटन का भी चेंज कर दिया, बटन का हमने दे दिया हम लोग बीटीएन, ओके अब देखिए प्रॉपर्टी विंडो बार बार नहीं बता रहा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी विंडो कहाँ से आएगी, राइट क्लिक करोगे इस पर और ये देखिए प्रॉपर्टी विंडो। अब जो भी सेट करना वो होगा सेट करना टेक्स्ट पे, ठीक। अब इन सब का आपको फॉन्ट तो सिलेक्ट कर लिया अपने माउस से, राइट क्लिक किया, इसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, सबका एक साथ आप यहाँ से
क्या कर सकते हो, फॉन्ट को बढ़ा सकते हो। तो आपने यहाँ से ले लिया फॉन्ट बोल्ड, ठीक, फॉन्ट आपने यहाँ से क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, क्लियर, फॉन्ट को बोल्ड कर दिया। उसके बाद अब आप यहाँ से अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए, ठीक। अब अपन को क्या करना है, ठीक, अब देखिए आपने फॉर्म डिजाइन कर लिया, अब कोड विंडो पे जाना, कोड करना, तो इस बटन के क्लिक इवेंट पर, अभी हमने सिर्फ आपको एक ही इवेंट बताया क्लिक इवेंट, इस बटन के क्लिक इवेंट पे गए, कहाँ गए, क्लिक इवेंट, ये देखिए हमारा बटन का क्लिक इवेंट खुल गया। आप कहीं भी क्लिक मत करिए, जिस कंट्रोल पे आपको काम करना है उसी कंट्रोल पे आप क्लिक करिए, बटन पे क्लिक करना, ये देख बटन क्लिक इवेंट। अब अपन क्या चाहते हैं, अब एक एक फंक्शन लेते हैं, डिम एक अपने ले लिया वेरिएबल बनाया एस टी आर स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग का नाम जैसे दे दिया हमने एस, एस किस टाइप का डेटा टाइप लेंगे, स्ट्रिंग टाइप का, इक्वल टू वैल्यू कहाँ से आएगी इसमें, टी एक्स टी किस नाम से, एस डॉट टेक्स्ट, वैल्यू इनपुट हो गई। अब इस वैल्यू अपन लेंथ रिटर्न करवाना, क्या रिटर्न करवाना, लेंथ किसमें, टी एक्स टी आउटपुट डॉट टेक्स्ट, तो इक्वल टू हमने कौन सा फंक्शन बताया आपको, लेन फंक्शन, लेन आ गया। इसके बाद इसमें पास कर दीजिए आप इस एस वेरिएबल, क्लियर। अब आप इसको रन कराइए, तो अब आप जो भी टेक्स्ट बॉक्स में मैं इनपुट करेंगे उस टेक्स्ट बॉक्स की ये क्या रिटर्न करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा। स्टार्ट हो रहा है, बिल्ड हो जाएगा आपका, ठीक है, अब जैसे हमने मान लो इसमें डाल दिया क्वेश्चन, तो कितने नंबर ऑफ करेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रिजल्ट कितना आ गया, 8। तो अगर किसी भी स्ट्रिंग की, आपको दी गई स्ट्रिंग की अगर लेंथ रिटर्न करवानी है तो आपको यहाँ कौन सा फंक्शन यूज करना है, लेंथ फंक्शन यूज करना है, क्लियर। दूसरा फंक्शन हम इसको कमेंट में डाल देते हैं, दूसरा फंक्शन हमने आपको बताया राइट, राइट फंक्शन क्या करता है, दी गई स्ट्रिंग से राइट साइड से नंबर ऑफ करेक्टर को करता है। जो हमने जैसे दे दिया राइट राइट, क्लियर, हमने यहाँ पे दे दिया एस, जो भी स्ट्रिंग पास कर, कितने करेक्टर निकालने आपको, दे दिया जैसे 4, कितने निकालने आपको, 4, क्लियर, ठीक है। जैसे अगर प्रॉब्लम करे तो यहाँ आप लिख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट विजुअल बेसिक डॉट राइट, क्लियर, इस टाइप से यूज कर सकते हो, क्लियर। अब जैसे हमने इसमें रन किया, रन कराने के बाद अगर हमने जैसे अब डाला, मान लो इसमें डाला दुष्यंत और कितना दिया, 4, तो 1 2 3 बाई, यानी 22 लिख के देखिए, 4 करेक्टर कहाँ से निकाल दिया इसने, राइट साइड से, कहाँ से निकाल दिया, राइट साइड। तो ये जो हमारे पास राइट फंक्शन है वो क्या करता है, राइट साइड से नंबर ऑफ करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, राइट यूज़ करते हैं। अब यहीं पर मान लो आपको लेफ्ट लगाना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टी एक्स टी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल बेसिक डॉट लेफ्ट, आपने क्या यूज कर दिया, लेफ्ट। अब यहाँ पे पास कर दिया एस और आपने पास कर दिया 3, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ करेक्टर कितने निकाल के देगा, 3 करेक्टर्स आपको निकाल के देगा। जैसे हमने मान लो पास कर दिया यहाँ पे, तो 1 2 3, यानी डी यू एस एस निकाल के देगा आपको, देखिए नंबर ऑफ कितने करेक्टर निकाल के दे दिया आपको, 3 करेक्टर, क्लियर, नंबर ऑफ करेक्टर आपको कितने निकाल के दे दिया इसने, 3 करेक्टर्स आपको निकाल के देंगे। तो 3 फंक्शंस बताए, लेंथ फंक्शन किस लिए, लेंथ रिटर्न करने के लिए, राइट फंक्शन आपका काहे के लिए, किसी दी गई स्ट्रिंग में राइट साइड से नंबर ऑफ करेक्टर्स निकालने के लिए, लेफ्ट आपका क्या है, किसी दी गई स्ट्रिंग से लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ करेक्टर निकालने के लिए हम लेफ्ट फंक्शन यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, 3 फंक्शंस, ठीक। उसके बाद हमारे पास एल ट्रिम आर ट्रिम और ट्रिम फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस क्या करते हैं, जो हम स्पेस देते हैं, यानी जब हम कोई स्ट्रिंग टाइप करते हैं तो लेफ्ट साइड के स्पेस को टर्मिनेट करना, राइट साइड के स्पेस को टर्मिनेट करना, दोनों साइड के स्पेस को टर्मिनेट करना, तो स्पेस को टर्मिनेट करने के लिए हम किसका, और बोथ साइड, अगर दोनों साइड से स्पेस हटाना है तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, ट्रिम फंक्शन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जैसे ट्रिम फंक्शन यूज किया डिम, और हमने इसी को मान लो कॉपी कर, इसको बार बार यूज करना है तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक। और यहाँ पर हमने जैसे दिया डॉट एल ट्रिम,
एल ट्रिम और इसमें पास कर दिया हमने एस। तो अगर अब हम इसको रन कराएंगे और गलती से क्या कर दिया हमने, यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे लिखा राम, तो ये क्या करेगा इस स्पेस जो ये वाइट स्पेस आ रहा है इस स्पेस को ये रिमूव करके डिस्प्ले करेगा। क्लियर। अगर यहीं पे हमने कर दिया, अगर हमने यहीं पे कर दिया, सपोज कि अगर हमने यहाँ पे लगाया डॉट आर ट्रिम, आर ट्रिम, तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा राइट साइड के स्पेस को रिमूव करेगा। किस साइड के स्पेस को रिमूव करेगा, जैसे हमने यहाँ पे दिया ये, इस वाले स्पेस को ये रिमूव करेगा। और अगर हमें दोनों साइड के स्पेस को रिमूव कराना, बोथ साइड स्पेसेस को रिमूव कराना है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ओनली ट्रिम फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ट्रिम। तो ये लेफ्ट राइट दोनों साइड के स्पेस को क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, अब जैसे यहाँ पे दे दिया हमने स्पेस राम स्पेस, तो ये दोनों साइड के स्पेस को रिमूव करेगा। तो अगर हमें सिर्फ लेफ्ट साइड के स्पेस को रिमूव करना है तो एल ट्रिम, राइट साइड के स्पेस को रिमूव करना है तो आर ट्रिम, और दोनों बोथ साइड लेफ्ट राइट दोनों साइड के स्पेस को रिमूव करना है तो ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर। इतना पॉइंट क्लियर हो गए होंगे तीन फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन का काम क्या करता है कि किसी भी दी गई स्ट्रिंग से, किसी भी दी गई स्ट्रिंग से हम उसकी सब स्ट्रिंग को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिड फंक्शन का यूज करते हैं। मिड, तो यहाँ पे स्ट्रिंग पास करते हैं, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेके जाना है, वो हम यहाँ पे पास करते हैं। तो मिड फंक्शन का काम क्या हुआ, किसी दी गई स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग अगर हमको निकालना है तो हमारा वो काम किसका होता है, मिड फंक्शन करता है। क्या करता है, मिड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे दिया, जैसे मान लो सपोज हमने यहाँ पे लिखा मिड, मिड, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पास कर दी एस में कोई भी, उसके बाद हम चाहते हैं फोर्स स्टार्ट करे, कहाँ तक लेके जाए, एट तक लेके जाए, फोर्स लेके कहाँ तक जाए, एट तक जाए। तो हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने जैसे पास किया दुष्यंत, तो ये देखिए कहाँ से स्टार्ट करेगा, वन टू थ्री फोर से स्टार्ट करेगा, और कहाँ तक लेके जाएगा, एट तक लेके जाएगा। ये देखिए फोर से स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जाएगा, एट तक लेके। तो किसी, अगर आप चाहते हैं बीस से निकालना तो आपने दिया फोर से लेके टू थ्री तक, फोर से लेके आपने दिया मान लो, फोर से लेके आपने दे दिया मान लो सिक्स तक, कहाँ तक, सिक्स तक। तो देखिए स्टार्टिंग वैल्यू फोर हो गई, कहाँ तक, जैसे हमने डाल दिया सपोज, कहाँ तक, सिक्स तक। तो जो आप जहां से वैल्यू, फोर से लेके सिक्स तक, यानी जहां वैल्यू दे दोगे वो वहां वैल्यू से आपका स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने दिया मान लो, तो फोर से लेके सिक्स तक, यानी फोर और सिक्स, वन टू थ्री फोर और ये आपके सिक्स। अगर आपने देखिए यहां पर दे दिया टू, तो कितने डिजिट निकालेगा, सिर्फ टू। आप फोर से कहां तक, टू तक, फोर, ये देख सकते हो। तो किसी दी गई स्ट्रिंग से अगर आपको सब स्ट्रिंग निकालनी, कहां से स्टार्ट करना और कितने करेक्टर निकालने हैं, यानी आपको कहां से स्टार्ट करने और कितने करेक्टर निकालने हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टार्ट, यानी कहां से स्टार्ट करना और नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको कितने निकालने हैं, उसके लिए आपको क्या करता है, ये यूज करते हैं। जब हमने यहां ये थ्री, और थ्री के बाद आपको कितने नंबर ऑफ करेक्टर निकालने हैं, सिक्स। तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्लियर, नंबर ऑफ सिक्स करेक्टर आपका ये निकालता है। क्लियर। उसके बाद यू केस और एल केस, दो फंक्शन। अब जैसे यू केस और एल केस का काम क्या करता है, लोअर केस और अपर केस। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग पास करा, आपने दिए यू केस, किसमें दे दिया, यू केस एस। तो अगर आप, अगर कोई भी स्ट्रिंग स्मॉल लेटर में पास करेंगे तो उसको ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, किसमें कर दिया, कैपिटल लेटर। अगर आपने यहीं पे पास किया एल केस, क्या पास किया आपने, एल केस डॉट एल केस, तो ये क्या करेगा आपको, एस जो कैपिटल में आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उस स्ट्रिंग को ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल, जिसे हमने पास किया कैपिटल में, तो और ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसमें स्मॉल। तो एल केस अपर केस, सॉरी एल केस लोअर केस, तो यू केस आपका अपर केस के लिए होता है। तो आपके दो फंक्शन ये भी क्लियर हो गए, एल केस और यू केस। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस टी आर और वेल फंक्शन। एस टी आर और वेल फंक्शन क्या करता है कि
कोई भी स्ट्रिंग अगर आप वेरिएबल पास करते हो तो टाइप कास्टिंग के लिए काम करता है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराने के लिए। और वैल फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को वैल्यू में कन्वर्ट करने के। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो वैल्यू दोनों बता देते हैं ऑलरेडी, मान लो आप कोई नंबर में वैल्यू पास कर लें तो उसको किस में कन्वर्ट कर दे, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। जैसे हमने यहाँ पे किया डिम सॉरी पेस्ट डॉट वैल, तो अब आप यहाँ से किस में पास कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको नंबर। जैसे हमने यहाँ पे पास किया ये स्ट्रिंग, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको वैल्यू में। ठीक है, अगर इसी तरह हमें किसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना, जैसे हम चाहते हैं स्ट्रिंग को कन्वर्ट कराना जैसे हमने, तो अपन ने क्या कर दिया ये txt output dot text dot str, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, यानी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो str जो हमारा यूज होता है, जैसे हमने पास किया यहाँ पे वैल्यू है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग। क्लियर, तो ये आपका किस लिए होता है। दूसरा एक हमारे पास नेस्ट फंक्शन है कैर और एएससी। कैर क्या करता है कि जैसे कोई करेक्टर आप पास करोगे तो उसका ये क्या करेगा, आपको यूनिकोड यानी आप कोई पास करोगे नंबर उसका क्या रिटर्न करेगा, करेक्टर रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग की जगह पे कर देते हैं कैर, क्या कर देते हैं कैर, कौन सा डेटा टाइप कैर। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया पेस्ट डॉट कैर, और यहाँ पे पास कर दिया एस, क्या पास कर दिया एस। क्लियर, इक्वल टू txt डॉट टेक्स्ट। अब यहां पर देखिए हमने पास किया 65, तो 65 अगर हमने यहां पास किया 97, यानी कोई भी आप ASCII कोड देंगे उस ASCII कोड का ये क्या रिटर्न करेगा, आपका क्या रिटर्न करेगा, करेक्टर रिटर्न। अगर हम यहीं पे ASC यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं ASC, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दे दिया कैर, क्या दे दिया कैर, और यहाँ पर हमने दे दिया ASC, क्या दे दिया ASC, तो ये क्या करेगा कि जो भी आप करेक्टर पास करेंगे उसका ये क्या रिटर्न करेगा ASCII कोड। जैसे हमने कैपिटल A 65, कैपिटल C यू, यानी जो भी आप उल्टे अगर कैर कर देंगे तो कोई नंबर आप पास करेंगे तो उसका करेक्टर रिटर्न करेगा, अगर एएससी कर देंगे तो कोई भी ASCII कोड पास करेंगे उसका क्या रिटर्न कर देगा, आपको क्या रिटर्न कर देगा उसका कोड रिटर्न। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, इन स्ट्रिंग फंक्शंस को हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। क्लियर, अब देखिए कुछ एक एक प्रोग्राम और बता दूं आपको, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन हो जाते हैं इसी में बताते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कर दिया फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हमने जैसे कर दिया मान लो एक और ले लेते हैं लेवल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, यहां पर मैंने दे दिया राइट क्लिक लास्ट नेम, कर दिए लास्ट नेम। क्लियर, इसका फॉन्ट बढ़ा लिया हमने, और यहाँ पे इसका txt s1 कर दी, क्या कर s1 लास्ट। अब इन दोनों नाम को जुड़वाना है, इन दोनों नाम को आपको जुड़वाना है, तो कैसे जुड़वा सकते हैं इनको, आप सिंपल कर सकते हैं txt output
डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टीएक्सटी एसटीआर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, नाम जुड़वाने के लिए क्या लगा सकते हैं एम्परसेंट, या एम्परसेंट नहीं लगाना तो आप प्लस लगा सकते हैं बीच में स्पेस, और फिर यहाँ पे क्या लगा सकते हैं एम्परसेंट टीएक्सटी एस वन डॉट टेक्स्ट, रन करा दीजिए। जैसे हमने डाला यहाँ पे दुष्यंत और यहाँ पे डाला हमने ए डब्ल्यू ए एस टी एच आई, दोनों जुड़ दिए। तो प्लस भी यूज कर सकते हैं और एम परसेंट भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं एम परसेंट, कल भी मैंने एक प्रोग्राम बताया क्या लगा सकते हैं एम परसेंट, ठीक है। देखो जैसे मैं दे देता हूँ दुष्यंत, कुछ भी दे दिए। अगर इसी टेक्स्ट बॉक्स में और वैल्यू जुड़वानी है तो इसको आप यहाँ से क्या कर लीजिए मल्टी लाइन बना लीजिए, ये आपका क्या बन गया मल्टी लाइन। और इसी में आपको जुड़वाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं एम परसेंट लगा सकते हैं इक्वल से पहले, और नई लाइन के लिए भी कल मैंने आपको बताया था क्या यूज़ करते हैं एम परसेंट बी बी सी आर एल एफ, क्या यूज़ करते हैं एम परसेंट बी बी सी आर एल एफ। और फिर जैसे इसमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो टेक्स्ट एम परसेंट इक्वल टू डबल कोट में लाइन, ठीक। अब देखिए अब आप जो भी डालेंगे दुष्यंत यहाँ पे दिए ए डब्ल्यू ए एस एच आई इस टाइप से, तो जैसे चाहे वैसे आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। न्यू लाइन के लिए बार बार बता रहा हूँ बी बी सी आर एल एफ यूज करते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस या एम परसेंट सिंबल का यूज करते हैं। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को अब भी कोई प्रॉब्लम आए तो पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए, सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू आ रहा है क्या। फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जैसे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में लाना है दूसरा आपको फॉर्म लेना है तो राइट क्लिक करना है ऐड न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म में जाने के बाद आप विंडो फॉर्म, फिर आपको इस फॉर्म को स्टार्टअप फॉर्म बनाना पड़ेगा कि किस फॉर्म को पहले लेना। तो व्यू के अंदर सबसे लास्ट में जाइए, सॉरी प्रोजेक्ट में सबसे लास्ट में जाइए, प्रॉपर्टीज मिलेगी, प्रॉपर्टीज क्लिक करने के बाद आप यहां से फॉर्म को सेट कर सकते हैं, जॉन सा फॉर्म आपको स्टार्टअप फॉर्म में जाके आप यहां से सेकंड फॉर्म को ले सकते हैं, क्लियर। तो आज आप इतना ही करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में, क्लियर। आप लोग इतना कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है कुछ भी इश्यूज होते हैं आपको कुछ भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ इन फंक्शंस को मैं भेज चुका हूँ, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर कोई दिक्कत आता है तो आप उनको बताइए और एक्सरसाइज ज़रूर करते जाइए। थैंक यू।